Good morning to you all. How are you all? Fine. Okay, so students, today we are going to study subject English of class 1. Okay? Yes. So in the previous lecture we have started our lesson number 4. हमने lesson number 4 की story पढ़ी थी, right? So what was the story? Meetu and the yellow mango. Who was Meetu? We have already learned. Meetu कौन था? Meetu was a parrot, है ना? एक पैरट था, उसको मैंगो खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था ना। और फिर एक दिन क्या होता है, जब वो स्काई में फ्लाई कर रहा होता है तब उसका अचानक से एक ट्री के ऊपर, मैंगो ट्री के ऊपर ध्यान जाता है। तो वहां पे वो क्या देखता है, एक बिग येलो मैंगो था जो एकदम जूसी था। तो जब वो खाने के लिए जाता है तो पीछे से कौन आ जाता है, क्रो आता है। और व्हाट डज द क्रो से, क्रो से काव काव दिस इज द माय ट्री, गो अवे फ्रॉम हियर। क्रो ने उसको क्या बोला कि ये मेरा ट्री है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, इसलिए यहाँ पे वापस मत आना। इसलिए उस टाइम ये जो मीटू है, पैरट है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से चला जाता है। फिर ये पैरट जो है उसको तो मैंगो खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसको वो मैंगो जो जूसी येलो मैंगो था वो उसको खाना था। तो वो क्या करता है, वो जाता है, फिर उसने एक आइडिया सोची। तो उसको एक जो रेड कलर का बलून मिला था, सो उसने क्या किया, ही टेक द रेड बलून इन इट्स बिग एंड वेंट टू द क्रो, क्रो के पास जाता है और क्रो के पीछे जाके वो बलून को ब्लास्ट कर देता है ना। सो ब्लास्ट करते हैं तो आवाज आती है ना, ये सो वो आवाज सुन के जो क्रो था वो डर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे गन लेकर खड़ा है मुझे मारने के लिए। तो ऐसा सोच के वो डर जाता है और वो वहां से चला जाता है। और लास्ट में क्या होता है, जो पैरट है वो आराम से बैठ के अपना फेवरेट फ्रूट खाता है। कौन सा था उसका फेवरेट, मैंगो। ओके, सो दिस वाज द रिवीजन फॉर योर स्टोरी। नाउ वी आर मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन योर वर्क बुक। ओके, सो वर्क बुक में देखो पेज 66 पे, दिस पेज यू हैव टू ओपन इन योर वर्क बुक। यस, वी विल स्टार्ट विद द चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन इट इज गिवन टू यू, मीटू वाज ए डैश। सो हमारे ऑप्शंस तुमको दिए हुए, देखो ए इज क्रो, बलून, पैरट या फिर मैंगो। सो मीटू जो था वो क्या था, मीटू वाज अ पैरट। सो पैरट लिखेंगे और ऑप्शन में लिखेंगे हम लोग सी, है ना। जो बॉक्स दिया हुआ है तुमको लास्ट कॉर्नर पे वहां पे लिखोगे सी, और यहाँ पे है जो डैश दी हुई है तुमको, ब्लैंक्स दी हुई है, वहां पूरा पैरट का स्पेलिंग लिखना है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर इज मीटू हैड अ रेड डैश। सो मीटू को रेड कलर का क्या होता है, हमको पता है कि पैरट को रेड कलर का क्या होता है। देखो ऑप्शंस, बीक, एप्पल, बलून या मैंगो। सो मीटू हैज अ रेड बीक, सो यू राइट बीक हियर एंड इन द बॉक्स यू विल पुट ए। बीक मतलब क्या होता है, जो उसकी चांच होती है ना। यस, अब नेक्स्ट देखो, मीटू वाज डैश इन कलर। सो पैरट का कलर क्या होता है, यस वेरी गुड, सबको पता है पैरट का कलर होता है ग्रीन, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी। अब नंबर फोर है मीटू लव टू डैश। सो मीटू को क्या अच्छा लगता था, सिंग, टॉक, ईट या फ्लाई। व्हाट डज मीटू लाइक, मीटू लाइक टू फ्लाई हाई इन द स्काई। सो हमारा ऑप्शन डी राइट है। जहां पे अगर तुमको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिए क्वेश्चन में, देखो फिफ्थ नंबर से तुमको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ डैश नहीं दिया है, तो तुमको जो ऑप्शन राइट है अगर सब लोग बी है, तो बी के नीचे तुमको पूरा अंडरलाइन करना है आंसर में। देखो व्हाट डिड मीटू सी ऑन द ट्री, मीटू ने क्या देखा था ट्री पे। सो देखो ऑप्शन है बिग येलो मैंगो, बिग रेड एप्पल, बिग रेड बलून या बिग ऑरेंज। सो उसने ट्री पे क्या लिखा था, बिग येलो मैंगो। बिग येलो मैंगो देखा था, सो ये तुम्हारा ऑप्शन ए राइट है। तो बॉक्स में लिखो ए और जहां पे ए वाला ऑप्शन है उसके पूरा नीचे अंडरलाइन करना है। ओके, सो तुमको आंसर जब रीड करोगे एग्जाम के लिए तो इजीली फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट डिड मीटू लाइक, सो मीटू को क्या अच्छा लगता था, दैट इज ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगोज या फिर एप्पल। सो व्हाट डज मीटू लाइक, मीटू लाइक्स मैंगोज, यस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर आफ्टर दिस? नाउ
ये वाले पेज पे आना है, नेक्स्ट पेज 67 इट इज. What did the crow say to Meetu? जो क्रो था वो मीतू को क्या बोलता है, हमने पढ़ा था. What does the crow says? Go away, this is my tree, है ना? उसने ऐसा बोला था ना कि यहाँ से चले जाओ, ये मेरा tree है. Yes, so which option it is? It is A. Okay. Eight number it is. Who had a loud voice? Voice means आवाज. तो किसकी आवाज एकदम loud थी? Option A is Meetu, Mango. Crow or a balloon. So, whose voice was the loud? It was the voice of the crow. Yes. So, you will write here C. Now, next is tumhara. Dekho, 9 number. What did Meetu fly away? Why did Meetu fly away? So, option A hai. He did not like mangoes. He liked mangoes. He was angry. Ya phir dusra hai. He was afraid of the crow. तो ये जो है एक पैरट है, वो क्यों उड़ जाता है एकदम से फ्लाई करता है? Because he was afraid. Afraid means डर जाना. तो वो किससे डर गया था? He was afraid of crow, है ना? Yes. Okay. Now 10 number it is given to you. See. What did Meetu see under a tree? जो Meetu है वो ट्री के अंदर क्या देखता है? A big black crow, a red balloon. A येलो मैंगो या फिर डी अ ग्रीन मैंगो. सो उसने क्या देखा था ट्री के नीचे? अ रेड बलून, है ना? बलून देखा था ना उसने रेड कलर का. सो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन इट इज, है ना? नेक्स्ट 11 नंबर इट इज गिवन टू यू. वेयर वॉज द रेड बलून? सो रेड बलून कहाँ पे था? इन द ट्री, बिहाइंड द ट्री, अंडर द ट्री और अप द ट्री. रेड बलून था अंडर द ट्री. सो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है. ओके चिल्ड्रन, क्लियर आफ्टर दिस? देखो अब 12 नंबर. व्हाट डिड मीतू पिक अप? मीतू क्या अपने चोंच में लेता है, बीक में ले रहा था? रेड बलून, ब्लैक क्रो, येलो मैंगो या फिर ग्रीन मैंगो. सो व्हाट डिड ही पिक अप? ही पिक अप अ रेड बलून, है ना? यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखोगे? ए. और जो लिखा हुआ है रेड बलून उसके नीचे अंडरलाइन करना है. नाउ नेक्स्ट 13 नंबर. वेयर वाज द क्रो सिटिंग? सो क्रो वाज अंडर द ट्री, अप द ट्री, इन द ट्री या फिर बिहाइंड द ट्री. तो क्रो जो था वो कहाँ बैठा था? ट्री के ऊपर. सो 13 नंबर में तुम्हारा ऑप्शन है बी. हियर अप द. नेक्स्ट इज 14 नंबर. Meetu went dash the tree. सो Meetu है वो कहाँ पे जाता है? बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे. व्हाट डिड Meetu डू विद द बलून? सो व्हाट डज इट डू? हमने स्टोरी में ऑलरेडी पढ़ा था कि जो बलून है उसको ले जाके वो क्रो के पीछे ब्लास्ट कर देता है. ओके. हाउ डिड Meetu बस्ट द बलून? सो हाउ डिड ही बलून? ही पिक्ड इट विद हिज बिग. वो अपनी चोंच से बलून को ब्लास्ट करता है ना. यस. नेक्स्ट इज हु फेल ऑफ द ट्री? फेल ऑफ मीन्स गिर जाना. तो ट्री के ऊपर से कौन गिर गया था? क्रो. यस. तो क्यों क्रो गिरा था? बिकॉज पीछे से जब आके Meetu ने बलून ब्लास्ट किया था, एट दैट टाइम फॉल डाउन. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू द क्रो व्हेन Meetu पास्ड द बलून? सो व्हाट इज योर ऑप्शन? सी, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज सरप्राइज्ड, ही फेल ऑफ द ट्री. एंड लास्ट ऑप्शन इट इज गिवन टू यू, he hide behind the tree. So what is happening? When the balloon burst, that time crow fell off the tree. And now see what is next. Why was Meetu happy? Meetu kyun happy tha? Because he ate the mango. Yes. And the last one it is given to you. Meetu was a dash parrot. So clever, dull, nervous or happy? So he was a very clever parrot. Okay, we have completed here up till page 68. We'll meet in the next lecture with a new exercise. Till that, bye. Thank you.